अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोग कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वाश्ता कर लिए, बर्तन भी धो लिए, कपड़े भी मैंने धो लिए, वो भी चलती हूँ, आलू वगैरह लेती हूँ, सालन बनाते हैं। और हमारी वीडियो पूरी देखा करें, आप लाइक शेयर कर दिया करें ताकि हमारे व्यूज जो है कम हो गए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत महंगाई है। कोई भी हमारा प्यारा बहन भाई हमारी हेल्प करना चाहे तो बच्चे में दुआ देंगे, खाएंगे, बहुत परेशान है ना राम? राम को जो चोट लगी थी ना, अब इसकी चोट थोड़ी सी बेहतर हुई है जी। राम कहाँ जा रहे हो? ये भी कह रहे हैं आलू ले। क्या लेने जा रहे हो? आलू। इसको आलू पसंद है। आज बिल्कुल ही बादल बने हुए आसमान। मम्मी जी आलू दिला के चली गई थी काम पे, यहाँ पे मैं जाना जरूरी है, जिसे सालन वगैरह बना रही हूँ। सालन मैंने बना लिया, सालन का। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अभी जी काम की जो है ना बुलाया, आज के जो है आप काम वगैरह करके जहाँ भी जा रहा हूँ काम करने के लिए, जिन्होंने जो है ना साइकिल वगैरह दिया था तो उनके घर पे जो है ना जा रहा हूँ अभी काम करने के लिए। कह रहे हैं आज का दिन जो है ना काम करना है, मतलब कि आज का दिन जो है ना वो औरत जो है ना नहीं आई काम करने के लिए, आप आके काम कर रहे। अभी जा रहा हूँ मैं काम करने के लिए, तो आप लोग मुकम्मल वीडियो दिखा करें, आगे जो है ना लिंक शेयर कर दिया करें ताकि हमारी फुल हौसला अफजाई हो सके। अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं आपको पता है, और कमरा भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आप फैमिली जो है ना, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमें बहुत मुश्किल हो रहा है, और हम यहाँ भी जो है ना यहाँ बाहर सोते हैं और बच्चे जो है ना अंदर सोते हैं। तो भी चलता हूँ मैं, साइकिल वगैरह निकालता हूँ, और आराम भी बहुत ही ज्यादा कम चल रहा है, पता नहीं मैं जाऊंगा पता नहीं, बहुत ही ज्यादा रोएगा। बैठा हुआ तो पता तो खामोश था। अम्मी भी चली गई हैं, वो भी देर से आएंगी। करेंगे तो खाएंगे, मना काम। आ रही हूँ आ रही हूँ। काम नहीं मिल रहा ना बेटा, इतने पुराने जाने वाले थे, बीमारी की वजह से कोई काम पेज भी नहीं लगता। रास्ते से फुल करवा लेना। एक तो घर भी छोटा है। ठीक है। और हमारा सालन भी बन गया। बेटा ये भी शुक्र है कि अपना घर तो है ना कम से कम। हाँ ये तो है। बस किराए और गैस बिजली के बिल की परेशानी है। ठीक है भाई का ख्याल रखना। ठीक है ठीक है ठीक है। अपना भी ख्याल। जी गेट पे आया हुआ था कोई तो बिल फेंक के गया है बिजली का। देखते हैं अभी कितना आया है बिजली का बिल, फेंक के गए हैं 4,708 रुपये। इतना ज़्यादा बिल, ये तो अब्बू आएंगे वहीं देखेंगे। तो अम्मी जो है ना 1:30 बजे काम से आ रही हैं। इतनी देर से अम्मी? अकेली थी ना, कभी कभी ना काम भी बढ़ जाता है। 12 बजे से भी पहले गई हैं आप। इसको देखिए अम्मी। अरम क्या हुआ, खाना खाओ बेटी? तो ये दूध वाली, ये इसको क्या ले निकाल के दी? दूध वाली रोटी, दूध में टूटी हुई। अच्छा अच्छा दे, ये लो गिरा देगा इसको अंदर बिठा। अंदर लेके चलूं? चलो। अस्सलाम वालेकुम मेरी बेस्ट यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो जैसे कि अम्मी जैसे कि काम से आ गई हैं, अब्बू अब तक नहीं आए हैं तकरीबन, अब जो है ना 2 से भी ऊपर टाइम हो गया, अब तकरीबन 10 बजे के गए हुए हैं। और अम्मी जो है ना टुकड़ा वगैरह लेके आई थी, बाजी ने दिया था, तो आरिफ बेच के आया। मैंने कहा कोई चीज़ नहीं खाना, दूध लेते आना क्योंकि अम्मी भी थक के आई हैं, चाय बना लेंगे। तो अभी दूध वगैरह निकाल के आती हूँ, चाय बनाते हैं और अब्बू के लिए जो है ना तराजे में निकाल के रख देंगे। आरिफ दूध लेते आओ, मैं जब तक पानी वगैरह भर लेती हूँ। और अल्लाह करे गैस भी आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गैस का सबसे बड़ा मसला होता है। जी
चीनी तो खत्म हो गई है, पहले मामी से बोलती हूँ चीनी भिजवा दी, इतनी जरा सी चीनी। अम्मी ने जो ना ये 60 रुपया दिया, अभी आरिफ को देती हूँ, चीनी लेके आई। चीनी ले आयो जी। और हम आप क्या लेके आए हैं? चीज मुझे दोगे? ये हर बार ही मुझे ना करते। अम्मी के पास जाना है। अच्छा मुझे चीनी तो दे दो भाई, जाओ अपनी अम्मी के पास। 50 की चीनी देखी, 60 की चीनी देखी, कितनी है वैसे अंदाजा? पाव आधा किलो, पाव से भी कम लग रही है मुझे। अभी जी चीनी निकाल लेते हैं डब्बे में, ये सुबह तक खत्म हो जानी है या कल शाम तक बस। शुक्र है गैस आ रहे। अभी जो है ना चाय इडली बना लेते हैं। चार कप बनाए हैं तो 4 चम्मच चीनी, पत्ती अंदर से लेके आनी पड़ेगी। मम्मी से बोली पत्ती दे दे। अनी जी मेरा कॉल गया, अभी जो है इसके अंदर दूध डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं यहाँ के दूध के अंदर केमिकल डालते हैं, पता नहीं क्या। गांव में आधा किलो दूध डालते थे ना, तब भी चाय जो है ना बिल्कुल ही पतली बनती थी, और यहाँ पे मतलब एक पाव होता है, एक पाव से भी कभी कम होता है, फिर भी चाय अच्छा ही बनती है। तो फिर तो केमिकल ही हो गए ना यहाँ के दूध में। गांव का इतना खालिश दूध होता है, आधा किलो डालते थे, मैंने खुद चेक किया था, इतनी अच्छी चाय नहीं बनती थी। लेकिन यहाँ पे एक पाव से इतनी अच्छी कोई चाय बन जाती है। आप लोग कमरे में मुझे ज़रूर बताएं कि इसके अंदर ऐसा कौन से केमिकल मिक्स करते हैं कि इतनी गाढ़ी चाय बनती है। कि जी चाय हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ही तैयार हो गई है, अब इसको कप में निकाल के सबको देती हूँ। और सालन भी मैंने निकाल के रखना था फ्रिज में, सबने जो खाना वगैरह खा लिया, पहले किचन समेटते हैं। चाय तलाजे में निकाल के रख दी है। मम्मी ने दिया आटा, कह रही है अब्बू के लिए रोटी बना लो, ऐसा ना कि गैस चला जाए, अभी आ रहा है तो रोटी भी साथ साथ जो है ना बना लेते हैं हम। मैंने कप में निकाल ली है और देखची धोएंगे, पहले रोटी बनाएंगे। सालन भी मैंने निकाल लिया, अब इसको ढकना देके फ्रिज में रखाती हूँ। रोटी भी बन रही है, साथ साथ जो है ना मैं चाय भी पी रही हूँ, और चाय काफी अच्छी बनी है। और अभी जो है ना आराम बहुत ज्यादा तंग कर रहा है अम्मी को, इसकी बस शरारतें जो है ना इस टाइम शुरू हो जाती हैं। और जब ये रोता है ना फिर अब्बू के हाथों ही चुप होता है। अब्बू भी घर पे नहीं, अब दुआ कर रहे हैं कि बस ये रोए ना, बस इसी तरह चुप हो जाए। जी हम यूट्यूबरों की जो है ना जिंदगी है, रोटी बनाओ साथ साथ चाय भी पियो, व्यूज हमारे फिर भी नहीं आते। मैं ना सोचने की इतनी मेहनत के बाद भी कोई वीडियो नहीं देखता, तो दिल करते है कि इंसान वीडियो ही ना बनाए। लेकिन फिर कहते हैं कि अब इतना अरसा मेहनत की, अम्मी कितना अरसा मेहनत की है? 3 साल होने वाले हैं हमें इस YouTube के पर मेहनत करते हुए। तो फिर कहते हैं इतनी मेहनत की हुई है, अब इतनी आसानी से तो इंसान हिम्मत नहीं हार सकता। चले यहाँ तक उम्मीद लगाई है तो आगे थोड़ी सी मजीद जो है ना उम्मीद लगा लेते हैं। पहली रोटी मैंने डाल दी है तवे पे, अम्मी कह रही सिर्फ 3 रोटियां बनाना, 2 रोटियां खाएंगे, 1 रोटी कोई खा लेगा क्योंकि सबने खाना खा लिया, बाकी रोटियां शाम में बना लेना। जो है ना आज रोटी चिपका रहा है, पता नहीं क्या मेरे साथ दुश्मनी मुका रहा है, पता नहीं क्या। अम्मी आपके साथ भी ऐसा करता है क्या? मैंने तेल भी लगाया उसके बाद भी फिर भी चिपक रही है रोटियां, पता नहीं क्यों। अबू इतनी देर बेटा तबीयत खराब हो गई थी ना, रुक रुक के काम किया है। मैं अभी कब से वीडियो में कह रही थी वो 10 बजे के गए हुए। अभी 3 बज गए। सेहतमंद तो नहीं हूँ बेटा, दौड़ दौड़ के काम करूँ। वो खुद भी देख रही थी मालकिन की अभी काम इतना रुक रुक के क्या कर रहा है, खाना लेने का कैसे देख रहे हैं इनको, देखे तरसी भी निगाहों से। ये खाना उतार रहा है। उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, दुआ में रखना याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।